अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस के बारे में और देखेंगे कैसे उतरी लूंगी टेरा लूना की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर ले ताकि हमारे कोई भी न्यू वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने मेरी परसों वाली ये वीडियो नहीं देखी तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। इसके मुताबिक जैसे मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन थोड़ा इस टाइम जो प्राइस चल रही है थोड़ा सा अप जाएगा, उसके बाद फिर बैक गेयर लग जाएगा, डाउन आ जाएगा, और जो जो मैंने स्पोर्ट बताए थे सेम वो स्पोर्ट तक गया बिटकॉइन। तो इस टाइम मार्केट कैप देख, इस टाइम जो मार्केट कैप है वो है 1.4 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि जब हमने वीडियो की थी 1.5 ट्रिलियन थी, अब 1.4 ट्रिलियन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है 41.9 है और एथेरियम की 20.1 इसकी एथेरियम की है, और इसकी जो इंक्रीज हुई है पहले थी 18 to 19 चल रही थी, अब 21 पॉइंट है। तो अब क्या हुआ, अब जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हर करेंसी जो है वो पहले 17% 15% डाउन आई है। यहाँ पर टेरा लूना का जो यूएसटी था वो 16% डाउन। ये क्यों हुआ, देखें टेरा लूना, जैसे पहले हम बिटकॉइन की बात करते हैं फिर हम टेरा लूना की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे बिटकॉइन के देखें हमने अपने स्पोर्ट लगाए हुए थे, तो सेम वही स्पोर्ट पे हमारे जो रेजिस्ट कर रही है इस टाइम प्राइस, और इस स्पोर्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए। जैसे ही इस स्पोर्ट से नीचे गई तो ये खत्म, तो ये पहले जो इसका सपोर्ट होगा वो होगा 26,000 डॉलर तक इसका सपोर्ट होगा, 26,000 से 25,000 तक ये जाएगा ही जाएगा फिर बिटकॉइन, जैसे ही इससे नीचे क्लोजिंग होगी तो ये कंफर्म है, ठीक है। और जैसे इसका अगर आप यहाँ पर स्टोकेस्टिक देखें तो ये आपस में गले मिल चुके हैं इस टाइम, ठीक है। जैसे भी आपको पहले भी पता है, जब हमने पहले बात की थी, जब भी गले मिलता है तो कोई ना कोई बड़ी मूव होती है, या तो अपसाइड की तरफ होती है या तो डाउन साइड की तरफ होती है, ठीक है। जब यहाँ पे गले मिला था तो इस टाइम यहाँ पर ऐसी फिर अप चलेगी एकदम, तो अब यहाँ पे दोबारा से गले मिला है, ठीक है। उससे पहले भी यहाँ पे भी गले मिला है, जब जब गले मिलता है तो तब तक कोई ना कोई ये स्यापा डालता है, तो अब फिर ये गले मिल चुका तो अब पता नहीं क्या स्यापा डालेगा, पहले तो इतना डाल चुका था डाल लिया, चले हमें क्या, हमने सारे बैठे आराम से, हमने कौन से परचेज करने हैं। अच्छा अब बात करते हैं, ये मैंने बता दिया कि इससे नीचे जो इस ये लेवल आपका जो करंट चल रही है 30,600 से 31,100 तक जो है ना वो बिटकॉइन इधर इस रेंज में भी है, तो इससे ऊपर जो है वो इस लेवल पे 32,000 तक इसकी अगर क्लोजिंग हो जाती है तो थोड़ा सा हम अपसाइड की तरफ दे सकते हैं। अगर नहीं होती, 32 से नीचे ही रहता है सारा का मामला, तो फिर ये डाउन साइड की तरफ आएगा बिटकॉइन, और बिटकॉइन अभी बेरिश में है, अभी आप इसमें एंट्री मत लीजिएगा। अब चलते हैं लूना की, देखने की लूंगी कैसे उतरी। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि टेरा लूना जो था वो हमारा लॉन्ग टर्म कॉइन में शामिल था, ठीक है। अभी नहीं है, अभी टेरा लूना नहीं है इसमें। मैंने आपको लॉन्ग टर्म में जो बता रहा था तब भी मैंने आपको ये टेरा लूना की ये बात बताई थी कि टेरा लूना पे जब भी कोई मसला आएगा, इन्होंने क्या किया, बिलियंस ऑफ डॉलर के अपने पास बिटकॉइन स्टोर करके रखे हैं। जब भी इनकी ब्लॉकचेन पर इनके क्वाइन में कोई ना कोई स्यापा पड़ेगा तो ये जो होगा पूरी क्रिप्टो मार्केट पे स्यापा डाल देंगे, यानी कि जो अपने बिटकॉइन होंगे ये सेल कर देंगे और उसके बाद जो है वो अपनी जो स्पोर्ट है अपना टेरा लूना और यूएसटी दोनों को ये महफूज करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो अब भी सेम यही चीज हुई, टेरा लूना का जो यूएसटी था उसको लगाया हुआ था लोगों ने स्टेकिंग पे, क्योंकि जब भी डंप करता तो एक्सचेंजेस होती हैं वो हाई स्टेकिंग जो आपको अलाउ कर देती हैं स्टेबल कॉइन पे। तो जब स्टेबल जब उन्होंने देखा कि उनके अच्छे खासे पैसे बन चुके हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अनस्टेक किया कॉइन। जैसे ही अनस्टेक कॉइन किया तो इसकी प्राइस जो है 1.65 तक गिर चुकी थी, ठीक है, 1.65 से 1.68 डॉलर तक यूएसटी की। हालांकि इसकी जो इक्विवेलेंट प्राइस है वो 1 डॉलर ही होनी चाहिए थी, तो ये गिर चुके थे। तो टेरा लूना ने क्या किया, फटाफट अपने 1 लाख तक कॉइन जो है वो अपने सेल किए, या काफी बड़ी अमाउंट पे अपने बिटकॉइन जो है वो सेल किए अपने टेरा लूना को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, अपने यूएसटी को। और इसकी प्राइस 0.7 तक आ चुकी, 8 तक आ चुकी, काफी बड़ा डंप आया। और फिर टेरा लूना के बाद जब आपको पता है कि ये है मेजर कंपनी टेरा लूना, ये सपोर्ट कर रही है यूएसटी को, जब भी इसमें कोई मसला पड़ेगा तो पहले टेरा लूना फंड करेगा उसको। तो इसकी 60 तक प्राइस चल रही थी, एकदम से गिरी 30 आई, 30 से अब 18 आई, 14 आ गई, ठीक है। तो इस तरह चल रहा, ये तब तक ये प्राइस डाउन जाती रहेगी जब तक कि ये इक्वलेंट 1 डॉलर ना हो जाए, या 0.99 ना हो जाए, या 0.98 ना हो जाए, तब तक जो है
इसमें गिरावट जारी रहेगी, इसमें स्यापा डाला रहेगा और पूरी क्रिप्टो मार्केट में स्यापा डाला रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट कैप जो है ये दोनों कॉइन जो है वो होल्ड रखते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखें जो टेरा यूएसडी है टेरा का, तो ये टॉप 3 के अंदर आता है। ठीक है, ये टेरा यूएसडी ये टॉप 3 स्टेबल कॉइन्स के अंदर आता है। इसकी मार्केट कैप देखें आप कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसकी देखें टेरा लूना की अगर आप देखें मार्केट कैप, तो आपको भी काफ़ी दिखेगी। ये देखें इसके भी काफ़ी ज़्यादा 10 बिलियन इसकी मार्केट कैप है इस टाइम। तो ये चीज़ें हैं, और जो यूएसडी इसकी 4 बिलियन रह चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें कि जब तक इसकी $1 प्राइस ना होगी तब तक इसमें गिरावट इसमें जारी रहनी है। और हाँ, अगर आपने डीसीए करना है, अब इसमें दो सूरतें हैं, ये भी देख लीजिएगा, या तो ये तड़ जाएगा या तो ये मर जाएगा, या तो आपको ये लखपति बना देगा या तो ये आपको कहीं कहीं छोड़ेगा। टेरा की जो इस टाइम करंट प्राइस है, अगर आप चाहें तो इसमें डीसीए कर सकते हैं, डॉलर को एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है वो ये जो मैंने आपको बताया हुआ पहले एस आई पी भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अमाउंट कीजिएगा जो खो भी जाए वो कम ना हो। दूसरा ये है कि ये अपने आप को बैंक डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद फिर ये तकरीबन $5 तक भी आ जाएगा, $5 से नीचे भी आ जाएगा, अगर इन्होंने ये कहा कि हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो फिर उस टाइम क्या होगा, बड़ी जो कंपनीज होंगी वो आके इसके क्वाइन को खरीदेंगी खरीदेंगी, इनमें सरमाया करी जाएगी, फिर ये क्वाइन जो है वो अपसाइड की तरफ चले जाएगा। तो अभी अगर आपने करना है तो डीसीए करें, बहुत कम 1% से भी अपना फंड जो है वो कम इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और साथ जो आपने काम करना है अचैन ग्लोबल 111, इसको भी लाजमी से फॉलो कर लीजिए, इसको भी 1000 पे कराएं, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप 5000 सब्सक्राइबर तक लेके जाएं। ये थी वीडियो, होकर आपको वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दूसरा शेयर कीजिएगा, चैनल को भी अगर दूसरा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और ये वीडियो लाजमी देखा करें और दूसरों से भी शेयर किया करें।